अलवर में बुधवार को हिंदी प्रेस दिवस मनाया गया। राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने किया। सूचना केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में पुराने समाचार पत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वरिष्ठ लेखक, चिंतक और इतिहासकार हरिशंकर गोयल की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश, प्रधान आयकर आयुक्त विनोद कुमार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा और पत्रकार सुशील छलानी सहित अन्य वक्ताओं की ओर से विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर संगठन की वार्षिक स्मारिका हमारी कलम का भी विमोचन किया गया। दिशा देने वाला अगर कोई वर्ग है तो पत्रकार वर्ग ही है। हम लोग जरूर आज यहाँ पे श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यालय ये कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, परंतु यह एकमात्र ऐसा वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी है, जो कि बुद्धि, बौद्धिकता, विश्लेषण, आत्मविश्लेषण, समाज के विश्लेषण उसके ऊपर अपना कार्य करता है। यह जो बौद्धिकता है ये तय करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा गलत हो गई थी, कहाँ करेक्शन करना है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व हमारे कंधों पर है और जिस तरह की चुनौतियों से यह देश गुजर रहा है, बहुत जरूरी है कि हम चुनौतियों के सही स्वरूप को समाज, देश, राजनेता, प्रशासन के सामने रख सकें। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि जो चीज मीडिया में प्रकाशित होती है अथवा कही जाती है सामान्य नागरिक उसको अक्षरशः सही मानता है, तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है कि हम जिस बात को लिखें उस पर मनन करें, चिंतन करें, विश्लेषण करें, अध्ययन करें और तब जाकर के उस बात को जनता के सामने रखें। साथ ही सनराइज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वी के अग्रवाल और डॉक्टर एस सी मित्तल सहित अनेकों गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले भर से आए मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा ने किया। सातवां सम्मेलन इस सभागार में मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप सातवां सम्मेलन मना रहे हैं, यही अपने आप में एक संस्था के लिए बहुत बड़ी बात। संस्थाएं बनती है, दो चार सम्मेलन होते हैं, उसके बाद बिखराव शुरू हो जाता है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और संघ टूटना लगता है। लेकिन आप सातवें संघ में अभी आए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार अपने इस संघ को जीवित रखें और अलवर का नाम रोशन करें। मेरा सौभाग्य है कि सातों के सातों संघ में जब भी आपका दिवस मना है तो मैं उसमें हाजिर हुआ हूँ और मुझे आपने बुलाया है, सम्मान दिया है। मंच पर बैठे हमारे सबसे सम्मानित सत्कार बंधु श्री गोयल, आदरणीय गोयल जी, बाद में सभी सम्मानित सदस्य, यहाँ पर बहुत सारे जो अधिकारीगण आए उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। सही है, लोकतंत्र में बहुत सारी सीमाएं हैं, हर चीज के काम करने की सीमाएं हैं, आदमी को अपने आप ऊपर उठना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अच्छी लगन से, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। एक संगठन आपको ये शक्ति देता है कि कभी भी अगर आपके पास किसी चीज की परेशानी आए तो आप अपने संघ के पास जाके क्या सकते हैं, अपने संगठन के पास जाके क्या सकते हैं कि हमें उस परेशानी से बाहर निकालें।